ओम नमो नारायण। तो साथियों, आज फिर उपस्थित हैं आपके समक्ष भारत के एक और दुर्लभ वृक्ष के साथ। वीडियो में जो आपको ये केसरिया फूलों की चादर धरती पर बिछी दिखाई दे रही है, ये केवल एक छोटे से वृक्ष का कमाल है जो भारत में रोहेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। आपको आश्चर्य होगा ये जानकर कि भारत का इतना खूबसूरत और गुणकारी वृक्ष होने के बावजूद भी है विलुप्ति की ओर तेजी से बढ़ चला है। इनकी संख्या कम होने की वजह से बहुत ही कम लोगों को इनके बारे में जानकारी रहती है। दरअसल इसकी लकड़ी कठोर और काफी मजबूत होती है, इसलिए इस पर नक्काशी का काम होता है, जिस कारण बीते कुछ वर्षों में इसका अत्यधिक दोहन किया गया। जैव विविधता को बनाए रखने में भी इस वृक्ष की खास अहमियत है। गंधहीन होने के बावजूद भी इसमें फूलों के आने पर असंख्य रसभक्षी जीव इसके चारों ओर मंडराते रहते हैं। वहीं दूसरी ओर भौगोलिक रूप से भी यह अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता है। यह एक रेगिस्तानी पौधा है, जिस कारण इसकी जड़ें गहराई के साथ साथ जमीन के ऊपरी भागों में जाल बिछाकर भोजन पानी ग्रहण करती हैं। यह न केवल मिट्टी को बांध के रखती हैं, बल्कि इसके प्रसार को भी रोकती हैं। लेकिन इंसानों द्वारा अपने फायदे के लिए रेगिस्तान के इस इकलौते पेड़ के साथ छेड़छाड़ से न केवल इसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है, बल्कि जैव विविधता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा है। आज के समय में वृक्षों की कटाई एवं खेती के आधुनिकीकरण या ट्रैक्टर से खेती का बढ़ता चलन और सामुदायिक चरागाहों का राज व समाज द्वारा अनदेखी के चलते इस वृक्ष की संख्या में तेजी से कमी होती जा रही है। चरागाहों में पशुओं की खुली व बारों माह चराई के कारण नए अंकुरित पौधों को पशु खा लेते हैं, वहीं ट्रैक्टर से खेती के कारण नए अंकुरित पौधे जड़ से ही उखड़ जाते हैं। यही कारण है कि रोहेड़ा के युवा पौधों की संख्या बहुत कम देखने को मिलती है। वैसे तो रोहेड़ा के बीज सफेद झिल्ली जैसे पंख लिए होते हैं, जो हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने वंश को फैलाने की अपार क्षमता रखते हैं। लेकिन कुदरत के साथ मानवीय अलगाववाद इनके पनपने में बाधा बन गया है। प्राचीन काल में हल से खेती होने के कारण बीज जमीन में पनप जाते थे और 60-70 के दशक में यह मध्य भारत में बहुतायत में पाए जाते थे। लेकिन रिहायशी क्षेत्र बढ़ने और वन्य क्षेत्र घटने से रोहेड़ा पर जबरदस्त असर पड़ा है और आज यह गिनती लायक रह गया है। जबकि यह कम पानी में पनपने वाला पौधा है, यह शुष्क क्षेत्रों का एक पर्णपाती या लगभग सदाबहार पेड़ है, जो पहाड़ी ढलानों सहित समतल और लहरदार क्षेत्रों में पाया जाता है। साथ ही रेत के टीलों में बहुत अच्छी तरह से पनपता है। इसका बीज संग्रहण भी बहुत कठिन होता है, इसमें संरक्षण संवर्धन क्षमता कम होती है। मानसून में तत्काल नहीं रोपने पर यह खराब हो जाते हैं। रोहेड़ा का वनस्पतिक नाम टेकोमेला ओंडुलेटा है, जो बिग्नोनियेसी कुल का सदस्य है। संस्कृत में इसे रोहितक, रक्तघन, रोहित, दाढ़ी पुष्पक या पलिह शत्रु कहते हैं और हिंदी में इसे रोहेड़ा या अरुआर कहा जाता है। साथ ही अंग्रेजी में यह वेव्ड लिव्ड बिग्नोनिया, डेजर्ट टीक, मारवाड़ी टीक या हनी ट्री के नाम से भी जाना जाता है। यह समस्त भारत के शुष्क भागों में लगभग 900 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। प्राकृतिक रूप से यह महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में होता है और विदेशों में इसका वितरण अरब और दक्षिणी पाकिस्तान में यह बलूचिस्तान और सिंध में पाया जाता है। इस पेड़ में सूखा सहन करने की अपार क्षमता होती है। यह वृक्ष 150 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर वाले वर्षा क्षेत्रों में अपना अस्तित्व बनाए रखता है। रेगिस्तान में सूखे की बारंबारता के बावजूद इसके पेड़ पतझड़ी मौसम को छोड़कर अधिकतर समय हरियाली से आच्छादित रहते हैं। रेगिस्तान की भीषण गर्मी में यह 43 डिग्री से 48 डिग्री और कई बार 50 डिग्री तक के तापमान को झेलते हुए हरा भरा रहता है। इसके अलावा यह पेड़ न्यूनतम 0 डिग्री तक और कभी कभी 0 से 2 डिग्री कम तक के तापमान को भी सहन करने की क्षमता रखता है। रोहेड़ा की खास बात इसके सुंदर और आकर्षक फूल होते हैं। इसके कुछ पौधों में वर्ष में एक बार, जबकि अधिकांश में साल में 2 बार फूल आते हैं। यह दिसंबर अंत से जनवरी के बीच और मार्च से अप्रैल के बीच पीले, नारंगी तथा लाल रंग के फूलों से रेगिस्तान का श्रृंगार कर देता है। रेगिस्तान में दूर दूर तक पसरी रंगहीन रेत के मैदानी इलाकों में रंगों की बौछार कर देने वाला यह वृक्ष प्राकृति की ओर से जीव जगत को दिया गया अनुपम उपहार है।
इसलिए 31 अक्टूबर 1983 को रोहेड़ा को राजस्थान का राज्य पुष्प घोषित किया गया। खेजड़ी के पेड़ के बाद दूसरे रोहेड़ा के पेड़ को राजस्थान में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। अपनी आकर्षक सुंदरता के साथ साथ रोहेड़ा का पेड़ औषधीय दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका वर्णन हमें बहुत से प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। भाव प्रकाश के अनुसार रोहेड़ा की छाल रसायन कषाय एवं बल्ले है, जो लीवर की समस्या, तिल्ली का बढ़ना, मोटापा एवं दुर्बलता में उपयोगी है। और कैदेव निघंटू में रोहेड़ा की छाल को विशेष रूप से खांसी नाशक बताया गया है। इसके अलावा आधुनिक विद्वानों के मतानुसार रोहेड़ा की छाल ग्राही, बलवर्धक, लीवर की समस्या और उपदंश में उपयोगी है, और साथ ही यह जमे हुए रक्त को बखेरने के लिए भी बहुत उपयोगी बताई गई है। इसलिए गुम चोट के लग जाने पर इसकी छाल को दूध में उठाकर देने से लाभ होता है। इसके अलावा प्रसूति के बाद इसकी छाल या पात्र का काढ़ा प्रसूता को देने से उसकी अशक्ति दूर होती है, और इसकी छाल को बारीक कर चाय की तरह उपयोग करने से शरीर में उत्साह की वृद्धि होती है। आज के समय में बहुत सी दवाओं में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे एक्जिमा और त्वचा के अन्य रोगों व फोड़े फुंसियों के नियंत्रण वाली दवाओं के निर्माण में इसका प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। गर्मी तथा मूत्र संबंधी रोगों की दवाओं में भी यह रामबाण साबित होता है, और लीवर संबंधी रोगों में यह विशेष गुणकारी है, इसलिए लिव 52 औषधि में भी इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, हाल ही में एक बहुत बड़ी खोज भी इस वृक्ष के संदर्भ में निकल के सामने आई है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह वृक्ष HIV एड्स जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने में भी सक्षम है। इसके पत्तों में ओलियोनोलिक एसिड और सोलिक एसिड और बिटुलिनिक एसिड कंपाउंड पाए जाते हैं, जो ज़ेडोविडिन ड्रग से 24 गुना ज्यादा ताकतवर है। ज़ेडोविडिन यानी AZT ड्रग, जो वर्तमान समय में HIV के रोगियों के उपचार में दिया जाने वाला ड्रग है। इस खोज के बाद WHO ने भी इस वृक्ष पर और रिसर्च करने के निर्देश जारी किए हैं। तो साथियों, आज जरूरत है इस वृक्ष के सुरक्षा व संरक्षण की और इसके वंश वृद्धि चक्र को बनाए रखने की, ताकि न सिर्फ रेगिस्तान का प्राकृतिक संतुलन बना रहे, बल्कि आने वाली पीढ़ी भी इसका भरपूर लाभ उठा सके। और इसके लिए केवल सरकार पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, बल्कि समाज को भी आगे बढ़कर अपना अमूल्य योगदान देने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।